दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच है तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, अगर आपकी हड्डियों से आती है कट कट की आवाज, क्रैकलिंग साउंड्स आती है जॉइंट से, जोश शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा कम रहता है, तो दोस्तों आप ये जो चीज देख रहे हैं ना, इसको दूध में मिला करके आपको लेना है एक चम्मच की मात्रा में। किस तरह से इसको बनाना है पूरी मैं आपको सही विधि बताने वाला हूं, क्योंकि कोई भी चीज अगर आप कम या ज्यादा मात्रा में डालेंगे तो ये भयंकर नुकसान भी कर सकता है, लेकिन चारों की चारों चीजें आपको काफी आसानी से घर पे उपलब्ध हो जाती हैं, नहीं तो किसी भी जो किराने का स्टोर होता है वहां पे मिल जाती हैं बहुत ही इजीली, आसानी से। ये अगर लेकर के आते हैं, शरीर में ताकत बढ़ाता है, जोश को बढ़ाता है, स्फूर्ति को बढ़ाता है, चुस्ती फूर्ती को बढ़ाने में मदद करता है, आलसपन को दूर करके खून की कमी को दूर करके, साथ में कैल्शियम की कमी को दूर करके, हड्डियों को फौलाद बना करके, अंदर की आजकल के नौजवानों में जो कमी रहती है पूरी तरह से, जो जिंदगी का सत्यानाश कर दिया दोस्तों, ब्रह्मचर्य का जो लोग पालन नहीं करते हैं, आपको पता है रात रात को किस तरह की गंदी चीजें देखते हैं, तो उसके कारण जो शरीर में कमजोरी थकान आती है उसको भी ये सही करने में मदद करता है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें। आइए जानते हैं किस तरह से इसको तैयार करना है, चार चीजों की मदद से और दूध में मिलाकर सेवन करना है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना, हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन, घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सिलेक्ट करें, ताकि जब भी मैं रोजाना अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी प्रकार की कमजोरी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन एक सेकंड के अंदर आपके मोबाइल में आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं किस तरह से कौन कौन सी चार चीजें आपको लेनी है और कितनी मात्रा में मिलानी है और किस तरह से इसको तैयार करना है। दोस्तों, इस खुराक को घर पे तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी किराने या फिर किसी भी मेगा स्टोर से, मेगा स्टोर यानी कि जो मार्ट होते हैं जहां पर चावल मिलते हैं, दाल मिलते हैं, आटा मिलता है, उसके अलावा तेल मिलता है, वहां पे आपको ये काफी आसानी से सभी चीजें मिल जाएंगी। वहां से जाकर के आपको सबसे पहले लेके आना है काले वाले चिया के बीज, यानी कि CHIA, चिया का मैं आपको स्पेलिंग बता रहा हूँ, चिया सीड्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, आपको काले वाले लेकर के आने। दोस्तों, इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी में बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन तरीके से प्रोटीन पाया जाता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ साथ फाइबर भी पाया जाता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है किसी भी प्रकार की हड्डियों की कमजोरी को दूर करने के लिए और साथ में ताकत को बढ़ाने के लिए। दूसरे नंबर पे आपको लेकर के आने दोस्तों सफेद वाले चिया के बीज। ये पहले वाले हमने लिए थे काले वाले चिया के बीज, ये सफेद वाले। सफेद वाले क्यों लेकर के आने दोस्तों, इनमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, इसके अलावा फास्फोरस होता है, इसके अलावा दोस्तों विटामिन ए होता है, विटामिन B12 और विटामिन K होता है, जो कि आपके मांसपेशियों में बहुत ही जबरदस्त तनाव लाने में मदद करता है। अब देखिए, कई लोगों को क्या होता है, गठिया की समस्या हो जाती है, जो जॉइंट्स होते हैं ना, जहां पे जोड़ होते हैं वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, गठिया की समस्या हो जाती है। इस प्रकार के पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त होते हैं सफेद वाले चिया के बीज। तीसरे नंबर पे आपको लेकर के आने हैं, देखिए बादाम और अखरोट, कौन से वाले, दो तरीके के बादाम और अखरोट आते हैं। एक तो दोस्तों आप ये जो अखरोट देख रहे हैं ना, देखिए ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा ये टुकड़ा लेता हूं हाथ में अपने और इसको जोर से इस तरह से रगड़ता हूं मैं अपने हाथों में, अभी देखना मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको मेरे हाथों में ये चिपचिपा तेल जैसा दिख रहा है, कितना ज्यादा मेरे हाथ में तेल है, ये देखो चमक रहा है, मेरी उंगली कैसे चमक रही है। तो दोस्तों मेरे हाथ में बहुत ही ज्यादा तेल लगा है। तो बादाम जो तेल वाले होते हैं, देखिए बाहर के जो अमेरिकन कैलिफोर्निया आलमंड्स होते हैं वो दोस्तों अच्छे नहीं होते हैं इतने ज्यादा, क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती है। तो आपको देसी बादाम लेकर के आने हैं, जैसे कि हमारे भारत में जो कश्मीर में पाए जाते हैं, ये आपको काफी आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, नहीं तो अगर आप कश्मीर के पास रहते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं। और साथ में अखरोट भी आपको देसी ही लेने हैं, बाहर के कंपनी के किसी के भी नहीं लेने हैं, क्योंकि इंजेक्शन डाल के इनके बीच में से तेल निकाल लिया जाता है बादाम और अखरोट के बीच में से, और आप जानते हैं बादाम का तेल कितना महंगा मार्केट में बिकता है। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि सारे पोषक तत्व तेल के बीच में ही पाए जाते हैं। चौथे नंबर पर आपको लेकर के आने हैं सफेद वाले तिल। दोस्तों सफेद वाले तिल क्यों लेकर के आने हैं, खून की कमी को दूर करने के लिए, एनीमिया की समस्या को दूर करने के लिए, क्योंकि अगर आपके शरीर में कमजोरी आती है ना, आपको थकान लगती है, इसका मतलब है कि खून की कमी हो गई आपके अंदर, और साथ में हड्डियां मजबूत करने के लिए कैल्शियम इससे ज्यादा किसी में नहीं पाया जाता है। दोस्तों आपको ये चारों चीजें लेकर के आनी है, आइए आप जानते हैं कितनी मात्रा में सभी को मिलाना है।
दोस्तों सभी को आधे आधे चम्मच की मात्रा में, यानी कि ये जो आप बादाम अखरोट देख रहे हैं ना, ये तो आपको एक एक दो दो ही लेने हैं, दो बादाम दो अखरोट इस तरह से, साथ में आधे चम्मच ये तीनों चीजें आपको लेकर के इसके बीच में डाल करके पीस लेनी है। इस तरह का ये बन जाएगा, दरदरा आपको पीसना है, पूरा बारीक नहीं पीसना है। और इस तरह से दोस्तों एक चम्मच की मात्रा में आपको दूध में डाल करके सेवन करना है इस तरीके से दोस्तों। फिर आपको मिक्स कर देना है इस तरीके से। शरीर की किसी भी प्रकार की कमजोरी को, हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, उसको दूर करने में, साथ में जोश को, स्फूर्ति को, ताकत को बढ़ाने में ये मदद करता है।